मैनू रस नहीं आया, गुरु कृपा करे कैसा रस बनिया सी। आओ मैं तुहाडी सेवा विच दमदमी साल दे पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी का प्रसंग तुहाडी सेवा विच रखन लगा। एक दो कविता जिन्नी भी वनगी मात्र इतिहास दे विचों कहण दा मैं यतन करूंगा। बाबा दीप सिंह जी जिहड़ा जीवन 17 वर्षे की उम्र हुई उन्हां दी जिंदगी विच इक मोड़ आया। गुरु गोबिंद सिंह ने होले महल्ले दे कट थे संगतां नूं बुलाया, माझे मालवे दुआबे चों हुम हुमा के संगतां श्री आनंदपुर साहिब पहुंचियां। गुरु गोबिंद सिंह ने ऐलान किया कि कल नूं अमृत संचार होना, कल नूं असीं अमृत विच आप लगांगे, जिन्हां अमृत छकणा उह नां लिखाओ। बाबा दीप सिंह ते भाई नोद सिंह, एक चीचे दे रहिण वाला सी जिहदा नां नोदा सी, एक पहु पिंड दे रहिण वाला सी जिहदा नां सी दीपा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हस्त कमलों तो अमर छकिया, दीपे का नाम सतगुरां ने दीप सिंह रखता, नोते का नाम सतगुरां ने नोद सिंह रख दिता। पहला दीपा, फिर दीप सिंह, फिर भाई दीप सिंह, फिर बाबा दीप सिंह जी। आंदे इन्नी सेवा, इन्नी डिग्रियां लैके भी उन्होंने गुरु घर की सेवा नहीं छड़ी। एक दिन बाबा दीप सिंह जी लंगर विच जूठे भांडे मांज रहे सी, सतगुरु कहन लगे दीप सिंह बाटा मांजदा बाटा, आंदा नहीं जी बाटा तो पहली बार ही मांजिया गया सी, फिर हुण तू की मांजदा, आंदा सतगुरु जी हुण ते अपना मैं मन मांजदा मन। दीप सिंह तेनू कितना पता लगू तेरा मन मांझिया गया, आंदा महाराज जदों मैं इस बाटे नूं वार वार लशका के वेना ना इहदे विच तस्वीर मैनू अपनी नजर आउंदी आ, ते मैं ना भी तेरे अंदर जे होमे हैगी आ महाराज, जिद्दर इस बाटे विचों तुहाडी तस्वीर नजर आएगी मैं समझूंगा मेरी सेवा मुकम्मल हो गई आ। सतगुर ने चौके छाती ना लाया, आखिया धन सिखी। ओ दीप सिंह पुत्रा जो तू मंगे मैं तेनू ओह कुछ अज दे देना, सिखो मंगना भी सारण नहीं आंदा। आंदा महाराज जे तुठे जे ते वचन दियो ते वरदान दियो कि जेड़ा मेरा अंत समा होए ना ए धर्म युद्ध दे विच होवे। ए वर बाबा दीप सिंह ने कलगियां वाले पातशाह तो मंग के लिया सी। बाबा दीप सिंह जी कलगियां वाले पातशाह सेवा दमदमा साहब दी सौंप के आप दखण देण नूं तुर गए। बाबा दीप सिंह जी बीड़ा लिख रहे सन, गुरु नानक लेवा सिख श्री दमदमा साहब जी धरती ते पहुंचया, फतेह बुलाई ते कहण लगे बाबा जी जेड़ियां बीड़ा आप लिख रहे जे इन्हां दा जिथे प्रकाश करना ओ हरमंदर साहब नूं ढाउण दीआं तैयारियां कीतीआं जा रहीआं। बाबा जी ने कलम उथे रख दित्ती, ओ की खबर लेके आया हरमंदर साहब नूं ढाउण दीआं तैयारियां कीतीआं जा रहीआं। बाबा दीप सिंह दीआं अखां विच खून आया टौले फड़के, बाबा जी जे तक खालसा ना पहुंचा तेरे गुरु दा मंदिर ढा ढेरी कीता जाएगा। बाबा दीप सिंह ने कलगियां वाले पातशाह दे चरणा च अरदास कीती, हे पंथ दिया मालका धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिन्ना चिर मैं दुश्मन दे झंडे अमृतसर दी धरती तो पुट नहीं ना देंदा ओना चिर तक मैं शहीदी नहीं पाऊंगा। हौणी कम उठी उन्हें आख्या बाबा दीप सिंह मैं तेरा नोखा पर सिरे नहीं चढ़ दूंगी। उन्हें आख्या बचन होनी सिंह दे ओ पूरे ते पके ओए असी फड़ फड़ जम लगा दिए सुइयां दे नके ओ सानू अमृतसर वर जांदे आ अज केड़ा डके नहीं असी खंडे 18 फेर ते एवें नहीं चुके। बाबा दीप सिंह जी मार के नगारियां ते जोट दोड़ियां चोटा सत श्री अकाल दे जकारे ला के गगन दवाना बाबे ओ बाजियो भरियो निशाने काओ रात कटी आ। सवेरे फिर शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन साहिब महाराज दे चरणां च खलो के बाबा दीप सिंह ने अरदास कीती आ, हे शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन साहिब महाराज, मैं तेरे चरणा च अरदास करदा जिन्ना चिर मैं
अपना पर नहीं पूरा कर कर लेंदा उन्ना चिर मैं शीती नहीं पाऊंगा। हे धन गुरु रामदास महाराज, कोई तेरे दर ते फुलियां दा प्रसाद लेके आंदा, कोई पतासियां दा लेके आंदा, मैं सिर दा चढ़ावा लेके आ रहा इनू प्रवान कर रही। बाबा दीसे ने इत्थे खंडे नाल ली खिची है ललकार साहब गुरुद्वारा। बाबा दीप सिंह ने आख्या ओ जोदा लीक टप्यो जिन्ने धर्म दे नाम तो जाना निशावर कर देनी है। आंदे 10,000 सूरमा छाला मारदा लीक टप गया। है कोई कौम ओ जेड़ी मरण दे नाम उते वर्दी होवे। ए कलगियां वाले पातशाह ने आपां नूं मान दिता। इधर जमाल खान पता लगा भी बाबा दीप सिंह मेरे ते चढ़ाई करके आ गया। 40,000 फौज चढ़ के चबे दे मैदान विच आया। इधर कलगी धर दे सूरमे लेके अकाल दी ओट, एक पासे सत्री अकाल दे जकारे, एक पासे जैली दे नारे। आंदे इन्ना कह गच जंग इत्थे मचिया। बाबा दीप सिंह दीआं फौजां ने जिहड़ियां दुश्मन दीआं फौजां अगलियां उहनां नूं लम्मिया पा दित्ता। अमीर जान खान नूं अपना पासा हौला हुंदा जा पिया। इहने घोड़ा अगे छेड़िया ते बाबा दयाल सिंह वाले वधिया। बाबा दयाल सिंह ते तीन बार उस अमीर जान खान ने कीते। तिन्ने बाबा दयाल सिंह ने रोके, तीन बार बाबा दयाल सिंह ते अमीर जान खान ने कीते। बाबा जी ने तिन्ने पासों दी कढ़ दित्ते। तंदी ते चढ़ाया तीर, आंदे खिच के जदों छड्डिया ना, अमीर जान खान दी छाती दे विच्चों सुखा जीत सिंह दा निकल गया। घोड़े तो पवाटनी खा के थले डिगा। जबरदस्त खान बड़िया हंकारिया जरनैल सी, हाथी उत्ते बैठा हाथी अपने नु गांव दाया। बाबा दीप सिंह ने वध्या। आंदे इधर बाबा बलवंत सिंह निहंग सिंह ने रोकिया। बाबा निहंग सिंह जी, बाबा बलवंत सिंह जी आंदे तीन वार इस जबरदस्त खाने निहंग सिंह उत्ते कीते। तिन्ने बाबा जी ने रोके, फिर उंगल ते चढ़ाया चक्कर। आंदे एहो जिहा घुमा के छड्डिया, हाथी दी हमारी च बैठा सी। सूरमे दे चक्कर ने जबरदस्त खां दा सिर इतना ला के रख दिता जितना घुम्यार चक तो भांडा ला के रख दिंदे। इहनूं वी अगले जहान पहुंचाता फिर फौजां दा जरनैल जरनैल जमाल खान। अगे वधिया ने आख्या बाबा दीप सिंह मेरे वेंदिया वेंदिया तेरियां फौजां ने मेरियां फौजां दे घाम ला के रख दिते आ। मेरा जी करदा मैं तेरे नाल कल्ले ना कल्ला लड़ा। बाबा दीप सिंह जी करनी ते कथनी दे पूरे, बाणी ते बाणे विच परपक, शहीदां दी मिसल दे जथेदार। घोड़े तो थले आए होए जमाल खान नवी ओ चाहना जदों को कल्ले ना कल्ला लड़े। एक पासे फौजां दा जरनैल जमाल खान, दूजे पासे दमदमी टकसाल दे पहले जथेदार। जितना गह गच जंग इन्हां दा होया, चढ़दी कला उस कौम दी सदा रहिंदी, चढ़दी कला उस कौम दी सदा रहिंदी जेड़ी अपने फर्ज पछाणदी ऐ। तख्तां ताजां ते लोभ ते थुकदी नहीं, सोझी आ जावे अपनी शान दी ऐ। किसे दुखी मजलूम दी हा सुन के बाजी ला दिंदी अपनी जान दी ऐ। तेरे भाणे सरबत दा भला होवे, चंदन सिखिया तेरे निशान दान दी ऐ। त्यास कर लिखदे लड़दियां लड़दियां सांझे वार बाबा दीप सिंह जी दे और जमाल खान दे होए आ। हौणी ने आख्या बाबा दीप सिंह मैं आख्या सी तेरा परन से नहीं चण दूंगी, तेरे मैं जेड़े प्राण राह विच रोल के रख दूंगी। तेरे गुरु दा मंदिर 5 मील दूर आ। निहंग सिंह होके झूठ बोलिया ही, अमर छक के झूठ बोलिया ही। बाबा दीप सिंह ने आख्या होणीए, होणी ने आख्या मेरे किताब विच तेरे स्वास खत्म हो चुके। बाबा दीप सिंह ने आख्या होणीए तेरी किताब ए डायरी लोकां वास्ते बनी आ, मेरे वास्ते भी। मेरियां रगां दे विचों कलगियां वाले पातशाह दा अमृत लंघिया, मैं अपना परन पूरा करके फिर शहीदी पाऊंगा। बाबा दीप सिंह दे आंदे पुल फरके खब्बी तली ते रखिया सीस,
सज्जे हाथ विच फड़ के फलादी खंडा कौम दी अगवाई करदा बाबा दीप सिंह जी चरी वांग दुश्मनां नूं वढदा देहो जी वाण बाबा दीप सिंह ने दुश्मनां नूं पाई दुश्मनां ने लाहौर जाके सा लिया उन्हें आख्या ओ खाना सानू जींदिआं नाल लड़ कराए के मरिया ना उन्हें आख्या ओ कोई मर के भी लड़दा उन्हें आख्या बाबा दीप सिंह जी बुढ़ा जिहा एक रासी उन्हें वढ के सुट दिता उहदे नाल दे ने आख्या जी अजे की विगड़िया ओह फिर उठ के लड़न लग पिया उन्हें आख्या कला ही क्यों और भी कोई उन्हें आख्या उन्हें सानू कले ने पिछा भौं के अमृतसर साहब नहीं वेखण दिता सानू मैदा पियो दे नाल दे भी साथी उठ पे होणे आ जिन्हों कौम की जिंदगी आंदे आ ओह है ताडा इतिहास ना किसे ते वादा करो ना वादा जरो सिखी विच पूरे हो खंडे बाटे दा अमर छको ए मैं भाई जंगबीर सिंह जी अंबाले शहर हरियाणे च प्रसंग बादा दी सिंह दा पढ़िया एक हिंदू राजकुमार नां दा बंदा समाप्ति तो बाद 1100 रुपये छोटे पचंगीनों ने मान दिता मैं क्या भी तेनू कुछ पता पुता भी लगा जो इन्हें पढ़िया आंदा सरदार जी मना पता पुता तो कोना ला गयो सै जब जो छोरा गा रहा था ना आंदा मेरे शरीर की धड़कन खून इतना धड़क रहा था भी मेरे आत्मा जो तलवार हुंदी ना तो चार पांच की मुंडी तो मैं भी काट दिंदा आंदा मेरे इन्ना जोश आ गया ही भी चौं पंजा नू मैं मार सकदा सा सिखो ये नाड़ा च जमे आ खून गुरु हरगोबिंद पातशाह ने टाडी दसम पातशाह ने क्विशल तैयार कीते तुसी मान दिता धन्नवाद सतगुरु कृपा करे पुल चुक दी माफी फते मर्दा वाली गज के बुलायो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।